जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी इटली में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण फैल चुका है। अभी मैं न्यूज़ का आंकड़ा बता रहा हूँ, हाल में अभी मैंने न्यूज़ देखा है, उसमें 250 लोग मरे इस कोरोना वायरस से, और WHO ने इसे महामारी भी घोषित कर चुका है। इससे बचाव करने का एक ही उपाय है कि मतलब इस पर थोड़ा सतर्कता बरता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीरियस लिया जाए, इसको आसान से लेकर इसको और फैलाया ही दिया जाएगा। अधिकतर देखा जा रहा है कि किन उम्र के लोगों को ये अधिकतर कोरोना वायरस उससे संक्रमित हो रहा है? ज़्यादा 60 वर्ष से ऊपर या बच्चों को ये ज़्यादा संक्रमित कर रहा है, इसलिए कि इम्यूनिटी सिस्टम इन लोगों में कम होती है और जिनमें इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होती है उन पर बहुत कम असर कर रहा है। और ये क्या इस पे इससे बच्चों भी प्रभावित हो सकते हैं? एकदम बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा अभी किसी भी रोग से लड़ने के लिए अभी उतना सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उनमें भी ज़्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा ये संक्रमित कर रहा है। अभी तक इसका एंटीडोट मिला या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं बना, इस पर जाँच चल रहा है, खोज हो रहा है। आखिर ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला जा रहा है, पूरे 173 देश प्रभावित हैं। इसमें सारे देश के, पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसके दवा को खोजने के लिए, इसके एंटीडोट को खोजने के लिए, और आगे चल के हो जाएगा इसका कुछ ना कुछ तो इलाज के लिए कुछ उपचार करेंगे हमारे साइंटिस्ट। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से, लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन अभी न्यूज़ में तो कुछ और दिखा रहा है, चीन कह रहा है कि अमेरिका से, अमेरिका कह रहा है चीन से, इसमें हम क्या बता सकते हैं। इसमें अक्सर देखा जाता है कि चीन के लोग कुछ भी खा लेते हैं, वो सांप हो, अक्सर मैं डिस्कवरी पे देखा था सांप खा जाते हैं। कहने का मतलब ये नया पे नहीं खा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत पहले से खा रहे हैं, लेकिन अभी फैला है तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, अब ये इसका खुलासा होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तक आपके स्वास्थ्य विभाग में अभी तक किसी कोई मामला आया हो? नहीं, दरौंदा ब्लॉक में ऐसा कुछ अभी मामला नहीं आया है। जहाँ तक पूरे बिहार में, अभी तक बिहार में संदिग्ध मिले थे, लेकिन जांच के बाद पता चला कि बिहार में अभी कोई मरीज नहीं मिला है। जिससे इसका क्या क्या लक्षण है? जिससे कि इसका नॉर्मल लक्षण है कि छींक आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, शुरुआती में बुखार होगा, जांच में पता चलेगा कि टाइफाइड वगैरह है, यही नॉर्मल लक्षण है इसके। जी, देख रहे हैं जैसे कि दोस्तों आज हमारे एक स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे मेरे साथ, उन्होंने कोरोना वायरस से संबंधित हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें अपने अस्तित्व से बचाव करना चाहिए, जहाँ तक हो सके इस बीमारी से हम बचें। तब तक के लिए धन्यवाद।